नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं नीचे सरोज आईरा से डालता हूं आज की कुछ खास खबरों पर। आम आदमी पार्टी के अंबाला शहर के अध्यक्ष अंशुल अग्रवाल ने कहा कि इस समय पूरा देश सिर्फ बॉर्डर को मजबूत करने की सोच रहा है और प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपने बूथ मजबूत करने में लगे हैं। वो पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे हमलों को अपरा वोट बैंक बना रहे हैं। उनके नेता तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जितनी लाशें गिरेंगी उतनी हमारे सीटें आएंगी। क्या मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री इस दिन के लिए बनना था? अंबाला शहर आम आदमी पार्टी से आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आए दिन पाकिस्तान और अन्य आतंकवादी संगठन हमारे देश पर हमले कर रहे हैं, जिससे आए दिन हमारे बहुत जवान शहीद हो रहे हैं। क्या कसूर है उन जवानों का? वो अपनी नौकरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, यही कसूर है। पूरा देश इस चिंता में है कि बॉर्डर को कैसे मजबूत किया जाए, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्हें अपना बूथ मजबूत करने की चिंता हो रही है। वो कैंपेन चला रहे हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत। देश इतनी बड़ी विपत्ति में है, क्या ऐसे समय में उन्हें ये शोभा देता है कि वो अपना बूथ मजबूत करें? देश के बॉर्डर पे उनका ध्यान देना जिम्मेदारी नहीं है, उन्हें ध्यान देना चाहिए। और मोदी जी के कुछ नेता सीधा कह रहे हैं कि जितनी लाशें गिरेंगी उतनी अधिक हमारी सीटें आएंगी। क्या देश ने मोदी जी को पूरे देश की जिम्मेदारी इसीलिए दी थी कि आने वाले? अंबाला से साहिल गिद्दर की एक रिपोर्ट।